पर अधिराज तेरे कभी नहीं होगे सर्पिका। तेरा यही घमंड मुझे तोड़ना है सुनैना। कि हम मोहिनी से बहुत प्रेम करते हैं। कि जितना प्रेम मेरे पति मुझसे करते हैं उतना प्रेम आप अपनी होने वाली पत्नी से नहीं करते। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैंने अपने पति की मंगल कामना के लिए प्रसाद चढ़ाया था। आपको कुछ याद है? नहीं आ रहा है, हमें कुछ धुंधला-धुंधला सा। ये हार पहना के आपने साबित कर दिया है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे सामने आपको गले से लगाती, ये देखकर मेरा हृदय चूर चूर हो जाता है। धीराज, तू यहाँ चुपके से आएगी और मेहंदी चुरा के भाग जाएगी। सर्पिका की मेहंदी चुराना आसान नहीं है। इस कलश के अंदर मेहंदी नहीं सुनैना, केवल भ्रम है, भ्रम। असली मेहंदी मेरे पास है। सुनैना, तुझे तो बहुत विश्वास था ना अपने प्रेम की शक्ति पर। क्या हुआ, तू मेहंदी चुराने क्यों आ गई? कहीं तेरा विश्वास कमजोर तो नहीं पड़ गया ना? कहीं तुझे भी तो ऐसा नहीं लगने लगा कि अधिराज मेरा हो जाएगा? तू चाहे जितने भी जाल बिछा ले, चाहे जितने भी चाले चल ले, पर अधिराज तेरे कभी नहीं होगे सर्पिका। तेरा यही घमंड मुझे तोड़ना है सुनैना। तेरी आंखों के सामने मुझे मेरे अधिराज के साथ विवाह करना है। मुझे तेरे आंखों से विवशता और हार की आंसू बहते हुए देखना है सुनैना। और यही कारण है मैंने तुझे नहीं मारा। अब चाहे तू कितना भी प्रयास कर ले, तू कुछ नहीं कर पाएगी। अब तू जाकर दिखा महल से बाहर, सुलझाकर दिखा पहली। सुन सुनैना, अब ना कभी तू जीत पाएगी और ना कभी अधिराज तेरा हो पाएगा। हाथों पे अधिराज के नाम की मेहंदी कभी नहीं रचेगी, कभी नहीं। मैं तो भूल ही गई थी, मेरे होने वाले पति मेरी प्रतीक्षा कर रहे। अब मुझे उनके पास जाना होगा, प्रेम भरी बातें करनी होंगी। और क्यों नहीं, हमारे मेहंदी की तैयारियां चल रही है, ऐसे में प्रेम की बारिश तो होनी चाहिए ना। चलती हूँ। हाँ, इस सर्पिका को ये नहीं पता है कि मुझे दूसरी पहेली तक पहुंचने के लिए महल से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस मुझे मेहंदी को प्राप्त करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हमारे विवाह की तैयारियां भव्य रूप से होनी चाहिए और आप इस महल की मुख्य दासी, बाकी का सारा कार्य आप संभालेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे विवाह में पूरी प्रजा सम्मिलित हो और हमारी खुशियों में हिस्सा बने। आइए, आप विराजिए। अच्छा हुआ आप आ गए। अभी हम अपने विवाह की तैयारियों के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहती हैं तो दे सकती। नहीं, हमें कोई सुझाव नहीं देना। हम बहुत प्रसन्न हैं तैयारी देखकर। प्रसन्न तो हम भी हैं कि हमारा विवाह तुम जैसी समझदार और सुलझी हुई स्त्री से होने जा रहा है। आज हम यह घोषणा करते हैं कि हम मोहिनी से बहुत प्रेम करते हैं।
अधिराज, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम जानते हैं जितना प्रेम आप हमसे करते हैं उतना प्रेम किसी पत्नी या प्रेमिका के भाग्य में हो नहीं सकता। क्षमा कीजिएगा राजा साहिब, पर मैं रानी साहिब की बात से असहमत हूँ। क्या जी, जब बात प्रेम की हो रही है तो मैं राजा साहिब को एक चुनौती देना चाहती हूँ, जिससे साबित होगा कौन किससे कितना प्रेम करता है। अब ये कौन सी चाल चलने वाली है? कैसी चुनौती? क्षमा कीजिएगा राजा साहिब, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्रेम मेरे पति मुझसे करते हैं उतना प्रेम आप अपनी होने वाली पत्नी से नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा साहिब के सामने ऐसी बात करने की? राजा साहिब, इसे दंडित कीजिए। मैं जानती हूँ तू अधिराज को भड़काने का पूरा प्रयास कर रही है सर्पिका, पर इस बार मैं तुझे सफल होने नहीं दूंगी। राजा साहिब, मैं तो बस आपसे ये कह रही थी कि... राजा साहिब, ये कितनी अपमानजनक बात है। ये औरत जिसका पति इसको छोड़कर किसी दूसरे औरत के पास जा चुका है, ये औरत हमारे प्रेम को चुनौती दे रही है। सुने ना, ना ही तुमने हमारी बात काटी है बल्कि हमारे प्रेम पर उंगली भी उठाई है। नहीं राजा साहब, ना ही मैंने आपकी बात काटी है और ना ही आपके प्रेम पर उंगली उठाई है। मैंने तो केवल ये कहा है कि जितना प्रेम मेरे पति मुझसे करते हैं उतना प्रेम शायद ही कोई पति या प्रेमी अपनी पत्नी या प्रेमिका से करते होंगे। और ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं इसे साबित कर सकती हूँ राजा साहब। कहते हैं हाथों पे मेहंदी का रंग प्रेम का प्रतीक होता है, यानी जितना गहरा रंग उतना गहरा प्रेम। अगर मेरे हाथों की मेहंदी का रंग आपकी होने वाली रानी से अधिक हुआ तो इसे ये साबित हो जाएगा कि मेरे पति मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। राजा साहिब, ये सब बेकार की बातें हैं। नहीं, ये बेकार की बातें नहीं है बल्कि ये तो प्रेम और विश्वास की बात है। फिर अगर मैं साबित ना कर पाऊं तो आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है। एक राजा का कर्तव्य होता है हंसते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना। हमें तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार है। धन्यवाद राजा साहब, पर एक और विनती है आपसे। अब कैसा आग्रह? क्योंकि मेरे पास मेहंदी नहीं है, मैं चाहती हूँ आप अपनी होने वाली रानी से कहिए कि वो दिव्य परी लोक की मेहंदी का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दे। दिखने में भोली है पर बहुत चालाक है ये सुनैना। इस मेहंदी के पीछे क्या रहस्य है? राजा साहब, ये चुनौती की क्या आवश्यकता है? क्षत्रिय के मुख से निकली हुई बात उसके लिए प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वही होगा जो हमने कहा। हम ये घोषणा करते हैं कि होने वाली रानी साहिब और दासी सुनैना अपने हाथों पर मेहंदी लगाएगी। और जिसकी मेहंदी का रंग अधिक गहरा होगा उससे साबित होगा कि उसका पति अपनी पत्नी या अपनी होने वाली पत्नी से अधिक प्रेम करता है। यदि दासी सुनैना अपनी चुनौती में पराजित होती है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। मैं तैयार हूँ राजा साहब। और मोहिनी, आप परीलोक से लाई हुई मेहंदी को दासी सुनैना के साथ साझा करेंगी। जी राजा साहब। मैं अपना अधिकार मांगने आई हूँ, अपने हिस्से की मेहंदी मुझे चाहिए। तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा ना सर्पिका, क्योंकि तू ये मेहंदी मुझे देना नहीं चाहती थी, पर राजा साहिब ने इस मेहंदी को साझा करने का आदेश दे दिया।
तुझे आज मेहंदी नहीं, मौत मिलेगी मौत सुनैना। तुझे क्या लगा अधिराज ने मुझे कह दिया तो इतनी आसानी से मैं तुझे मेहंदी दे दूंगी? मूर्ख है तू सुनैना, मूर्ख। मैं सर्पिका हूं और सर्पिका इतनी आज्ञाकारी नहीं, सर्पिका केवल खुद की सुनती है। और हाँ, मैंने तुझे रुला रुला के तड़पा तड़पा के मारने की योजना बनाई थी, पर अब लगता है कि आज ही तुझे मारना पड़ेगा। तू होती कौन है मुझे मारने वाली? जीवन देना या लेना ईश्वर के हाथ में होता है। फिर एक बात कहूँ सर्पिका, तुझे ऐसे बौखलाते थे मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कल तक तू मुझे तड़पते देखना चाहती थी, पर आज से तू खुद तड़प रही है। कहते हैं ना, जैसे को तैसे। मरने के लिए तैयार हो जा सुनैना। दुरानी साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती सर्पिका, तो आज इसके साथ साथ मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी चंद्रलेखा। तुझे क्या लगता है हमें मारकर तू बच जाएगी? नहीं सर्पिका, कभी नहीं। राजा साहब जानते हैं कि रानी साहब तुम्हारे साथ है, इसलिए अगर इन्हें कुछ हुआ तुम्हें राजा साहब को उत्तर देना होगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम रानी साहब को उनके हिस्से की मेहंदी दे दो। कभी नहीं। अपने क्रोध के कारण बना बनाया खेल बिगाड़ मत सर्पिका, थोड़ी सी मेहंदी इसे दे दे। देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हमने बहुत अच्छी योजना बनाई है। मैं दे दूंगी इसे मेहंदी। ये ले। खुश, पर भूल से भी ये स्वप्न मत देख लेना कि मेहंदी रचने से अधिराज तेरा हो जाएगा। वो मेरा है और विवाह होने वाला है हमारा। मैं तुझे समझा समझा कर थक गई सर्पिका, और अब ये मेहंदी ही तुझे समझाएंगी कि अधिराज मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। सुनैना! ए! रानी साहब आप जाइए, हम इसे संभालते हैं। ठीक है। हमने तुझे कितनी बार समझाया है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जब मैं पहले सुनैना को मारना नहीं चाहती थी तब तुमने कहा उसे मार डालो, अब जब मैं उसे मारने जा रही थी तुम बचाने आ गई। और तुझे क्या हुआ है? कल तक तो तू सुनैना को जीवित रख के तड़पाना चाहती थी और आज उसे मारने चली आई। पहले तू ये सोच कि तू क्या करना चाहती है। मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करके रहूंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? और सबसे पहले मैं तुम्हारा विनाश करूंगी। ए सर्पिका, हमारे पास ये कुंडा अभी भी है जो तुझ पर नियंत्रण रखना जानता है। और सुन, हम तुझे बचाने आए थे, उस सुनैना को नहीं, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो अधिराज को तुझ पर संदेह हो जाता, फिर तुम दोनों का विवाह कैसे होता? और भूल मत, अधिराज की सिर्फ याददाश्त गई है, बेवकूफ नहीं है वो। लेकिन तुम्हारे कारण
मुझे उस सुनैना को परीलोक की मेहंदी देनी पड़ी। अब उसकी मेहंदी ज्यादा रचेगी क्योंकि अधिराज उससे अधिक प्रेम करता है और मैं हार जाऊंगी। हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है सर्पिका, हमारे हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। जब हमने सुनैना को उस दरबार में मेहंदी के लिए इतनी कोशिश करते हुए देखा, तब हम समझ गए थे कि अगर वो सुनैना पहेली सुलझाने के लिए बाहर जाने के बजाय यहाँ मेहंदी के लिए लड़ रही है, इसका अर्थ ये है कि मेहंदी और पहेली में कोई ना कोई संबंध तो है। याद करो, ये मेहंदी भी वो पहली पहेली सुलझाने के बाद लेकर आई थी। हाँ, इसलिए हमने तेरी मेहंदी का कलश बदल दिया। परीलोक की मेहंदी का कलश हमारे पास सुरक्षित है। सच? इसका अर्थ है सुनैना के पास साधारण मेहंदी है? ये काली दुनिया का विशेष जल है, इससे किसी भी चीज का रंग गहरा हो जाता है। इस जल को अपनी मेहंदी में मिला ले, फिर चाहे अधिराज को तुमसे प्रेम हो या ना हो, तेरी मेहंदी का रंग सबसे अधिक चढ़ेगा। आप कितनी अच्छी है, और मैं कारण आपसे क्रोध कर रही थी। बस ये हमें अपमानित करने से पहले सोचना चाहिए था। क्षमा कर दीजिए ना, मुझे भूल हो गई मुझसे। रानी चंद्रलेखा जी। ओहो। दरबार में इसने कितना अनुचित व्यवहार किया था। राजा साहब, अगर आपको मेरा व्यवहार अनुचित लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं जान सकूं कि क्या मेरे पति अभी भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं या नहीं। आप मुझसे क्रोधित मत होइए राजा साहब। हम तुमसे क्रोधित नहीं, बल्कि हम तो तुम्हें मेहंदी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देना चाहते थे। वैसे इसे शुभकामनाओं की आवश्यकता है अधिराज, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं इसका पति इसे भूल चुका है। अब मेरे कहने का अर्थ यह है कि इसका पति उसकी दूसरी पत्नी के साथ मगन है और उसी से अधिक प्रेम करने लगा है। राजा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरी औरत को खुद पर जरूरत से ज्यादा अभिमान हो गया है, इसलिए वो मेरे पति को नहीं छोड़ रही। और मेरा हृदय कहता है कि मेरे पति सबसे अधिक मुझसे ही प्रेम करते हैं, और आज शाम को ये साबित भी हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है, आखिर ये हमारे भी तो प्रेम की परीक्षा है। देखना, इस प्रतियोगिता में हम ही विजयी होंगे सुनैना। अब हम तुम्हारे हाथ पर मेहंदी लगाते हैं और ये रही हमारी तलवार।
क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रही हो? अरे इतनी अच्छी मेहंदी तो लगा रहे हम तुम्हें। और वैसे भी मेहंदी की आकृति से नहीं बल्कि मेहंदी के गहरे रंग से प्रेम को परखा जाता है, और लगाने वाले की श्रद्धा से भी। तुम खुद देख लेना कि हमारे द्वारा लगाई गई तुम्हारे हाथों पे मेहंदी कितनी अधिक रचती है, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं सुनैना। तो बताइए कितना प्रेम करते हैं आप अपनी सुनैना से? धैर्य रखो सुनैना, थोड़ी देर बाद तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हाथों पे लगी इस मेहंदी का रंग तुम्हें बता देगा कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और आप भी जानते हैं ना कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेहंदी मैं आपके हाथों पर लगा रही हूँ उसका रंग अधिक गहरा रचेगा। नहीं, हमने जो तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगाई है उसका रंग बहुत अधिक रचेगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अधिराज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। अधिराज, उतना प्रेम जितना प्रेम कोई और कर ही नहीं सकता अपनी पत्नी से। अधिराज शांत हो जाइए, मान लिया, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि एक राजा अपनी पत्नी का गुलाम हो गया है। कोई बात नहीं, मेहंदी ही तो है, और ये मेहंदी कहती है कि सुनैना अधिराज से अधिक प्रेम करती है। हम तुमसे अधिक प्रेम करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, सुनैना और अधिराज एक दूसरे को समान रूप से प्रेम करते हैं। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें भी ऐसा लगने लगा है ना कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है? क्या हुआ सुने ना? बस राजा साहब, मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं और मेरे पति एक दूसरे के हाथों पर प्रेम से मेहंदी लगा रहे थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे अधिक प्रेम करते, और मैंने उनसे कहा क्योंकि उससे तुम्हारे प्रेम पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए वो देखना चाह रहा होगा कि तुम्हारे नाम की मेहंदी उसके हाथ पर रचती भी है या नहीं। नहीं, हम दोनों को एक दूसरे के प्रेम पर पूरा भरोसा था, इसलिए ये साबित भी हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे से एक समान प्रेम करते हैं। प्रेम में परीक्षा भले ही एक प्रेमी दे रहा हो, पर परीक्षा तो दोनों प्रेमियों की होती है ना। ये तो बहुत अच्छी बात बताई है तुमने मोहिनी, अब हम भी तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाएंगे अपने हाथों में, और तुम्हें ये बताएंगे कि हम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं जितना तुम हमसे करती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है अधिराज, आज हम पूरे दुनिया को साबित कर देंगे कि मेरे अधिराज को मुझसे अधिक प्रेम कोई नहीं करता, कोई भी नहीं। मेरे प्रेम का रंग तेरे प्रेम के रंग से गहरा होगा, क्योंकि मेरे रोम रोम में अधिराज का नाम लिखा है। तो एक काम करते हैं, अधिराज के एक हाथ पर मेहंदी तू लगाएगी और दूसरे हाथ पर मैं, फिर देखते हैं किसका रंग गहरा रचता है। हाँ हाँ देख लेना। तो ठीक है, आज शाम में ही सब कुछ पता चल जाएगा। पर एक शर्त है, अधिराज को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उन्हें यही लगना चाहिए कि उनके दोनों हाथों में मैंने ही मेहंदी लगाई। मुझे स्वीकार है,